टॉपिसल 3% लोशन, जो कि ये 50 ml का लोशन रहता है, जिसका MRP की बात करें तो 136 रुपीज़ रहता है। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो दो दवाई डाली की है, क्लोबेटाजोल 0.05% वेट बाय वॉल्यूम एंड सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर 3% वेट बाय वेट डाला गया है। और ये 50 ml का लोशन है जो कि एक्सल पैक रहता है। ये एक लोशन, बड़ा लोशन है जो कि यूज़ होता है एक्जिमा और सोरियासिस का ट्रीटमेंट करने में। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे ड्रग काम करता है, कैसे यूज़ होता है, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, ताकि टॉपिसल 3% लोशंस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। टॉपिसल 3% लोशन, जो कि एक सिस्टोपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, क्लोबेटाजोल 0.05% वेट बाय वॉल्यूम वेट एंड सैलिसिलिक एसिड 3% वेट बाय वेट डाला गया। 50 ml का ये लोशन रहता है, जिसका MRP 136 रुपीज़ रहता है। तो टॉपिसल 3% लोशन, जिसके अंदर दो दवाई डाली गई है जो कि ट्रीटमेंट करती है एक्जिमा और सोरियासिस का, और ये रिलीफ देती है रेडनेस से, स्वेलिंग से और खुजली से वगैरह रिलीफ देती है, और जो डेड स्किन होती है उसको निकाल देती है और अच्छी स्किन लाने में हेल्प करती है। तो ये एक्जिमा और सोरियासिस में यूज़ होने वाला एक लोशन है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि स्किन निकलने लग सकती है, जहाँ पे लगा रहे हो वहाँ पे पतली हो सकती है स्किन, क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है जो कि स्किन को निकालने में हेल्प करता है, और जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है और रेडनेस हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जब तक बोले तब तक लगाए, और इसको जो भी इफेक्टेड एरिया उसको वॉश कर दे, ड्राई कर दे, उसके बाद लगाए। तो टॉपिनेट 3% लोशन काम कैसे करता है, तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है जो कि क्लोबेटाजोल एंड सैलिसिलिक एसिड है, जो कि एक्जिमा और सोरियासिस का ट्रीटमेंट करता है। क्लोबेटाजोल एक स्टेरॉइड है जो कि ब्लॉक कर देता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है, जिससे स्किन लाल होती है, स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है, तो उससे रिलीफ मिल जाता है। और सैलिसिलिक एसिड एक केराटोलाइटिक मेडिसिन है जो कि डेड स्किन को निकालने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है, जो एक्जिमा और सोरियासिस होता है, वो जल्दी क्योर हो जाता है। तो ऐसे काम करता है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रही तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।